ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन के युवा चिट्टे की चपेट में आते जा रहे हैं, क्योंकि चिट्टा एक महंगा नशा है, इसलिए इसकी गिरफ्त में ज्यादातर रईस ज्यादा ही हैं, जो महंगा नशा करना अपनी शान समझते हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ऐसे ही दो युवाओं को रवोन से चिट्टे की खेप के साथ हिरासत में लिया है। सोलन के युवा चिट्टे की चपेट में आते जा रहे हैं, क्योंकि चिट्टा एक महंगा नशा है, इसलिए इसकी गिरफ्त में ज्यादातर रईस ज्यादे ही आते हैं, जो महंगा नशा करना अपनी शान समझते हैं। आज भी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ऐसे ही दो युवाओं को रवोन से चिट्टे की खेप के साथ हिरासत में लिया है, जो सोलन के जाने माने परिवारों से हैं। ये दोनों ही एक लग्जरी गाड़ी में सवार थे। उन्हें पुलिस ने रोका और उनकी गाड़ी की कई बार तलाशी ली गई, लेकिन पुलिस के हाथ नशे की खेप नहीं लगी। अंत में सीट बेल्ट के समीप लगे बॉक्स की जब तलाशी ली गई तो उसमें से हेरोइन बरामद हो गई। पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में लिया। अधिक जानकारी देते हुए डीएसपी सोलन योगेश दत्त जोशी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि दो युवा लग्जरी गाड़ी में आ रहे हैं और उनके पास नशे की खेप है। पुलिस ने अपना जाल बिछाया और रवोन बाईपास पर उन्हें धर दबोचा। उनके पास से 13.73 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। फिलहाल दोनों युवक, जो अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। एनडीपीएस का मामला पुलिस स्टेशन सदर सोलन के अंतर्गत दर्ज हुआ है। ये आज ही दर्ज हुआ है। इसमें हमारे हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में एक टीम गश्त पर थी, तो उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ पर कुछ युवा नशे के कारोबार में संलिप्त हैं और वो किसी गाड़ी में विचरण कर रहे हैं। उसी समय वो गवाहों का प्रबंध करके मौके पर पहुँचे। जब मौका जो है आंजी नाम की एक जगह है यहाँ पे, वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर एक ईटीओस गाड़ी जिसमें दो युवा थे